अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुज़म्मिल अहमद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज प्लान किया है कि फिर से बुर्ज खलीफा, बट आज जो है रात का वक्त है, तो देखते हैं वहाँ रात के वक्त कैसा मंजर रहता है। तो आज जो है आप हमारे इस वीडियो के मेहमान हैं उबैद साहब। हेलो। तो आप उबैद साहब से मिल सकते हैं। आज नेशनल डे है तो मेरे ख्याल से बहुत मजा। हाँ, तो आज हम खसूसी बेसिकली नेशनल डे की वजह से जा रहे हैं बुर्ज खलीफा। देखते हैं वहाँ क्या कैसा इवेंट होता है, होता भी है नहीं होता, देखते हैं। चले चले, आपको फिर मिलते हैं फिर आगे। अच्छा भाई, दुबई मॉल के अंदर एंटर हुआ है, तो अब ये है कि दुबई मॉल में जब आप मेट्रो से आते हैं दुबई मॉल के अंदर, तो आपको काफ़ी चलना पड़ता है। तो ये है कि अभी आप चल रहे हैं और यहाँ भरपूर रश भी है और आप देख भी सकते हैं बैक साइड पे किस तरह का रश है। अच्छा भाई, आज आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ट्रैफिक है, क्योंकि यहाँ पे नेशनल हॉलीडेज़ की छुट्टियाँ चल रही हैं। तो ये ट्रैफिक आप देख सकते हैं पूरा। हाँ भाई उबैद भाई, कितना चलना पड़ रहा है अब ये बताएं। बहुत चलना पड़ रहा है ना मेट्रो से। जब आप मेट्रो से जब आप उतरते हो दुबई मॉल के अंदर जाने के लिए, तो आपको बहुत चलना पड़ता है भाई, बहुत चलना पड़ता है। आप यहाँ पे आवाम की आदत बनी हुई है चलना तो भाई। अच्छा भाई, ये अब जो है दुबई मॉल के अंदर प्रॉपर इंटर हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये आस पास ये अच्छा भाई, दुबई मॉल के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो बस ये है कि बुर्ज खलीफा की तरफ जाना है, तो ये है कि थोड़ा अभी और भी चलना पड़ेगा। वैद भाई आपको बता दो, अभी और चलना पड़ेगा। एंटर तो हो गए आप दुबई मॉल के अंदर, लेकिन चलना तो है आपको। मज़ा आ रहा है ना, चलो इंजॉय करो भाई। आप देख सकते हैं यहाँ पर आज दुबई मॉल में किस तरह का रश है। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो वो दिन का भी टाइम था और इतने लोग भी नहीं थे, तो ज़्यादातर उस टाइम फॉरेनर थे, लेकिन आज यहाँ मिक्स है क्योंकि नेशनल डे चल रहा है, तो छुट्टियाँ भी हैं बहुत से लोगों की। तो ये है कि लोग अपनी छुट्टियाँ एंजॉय करने आए हैं, और ये छुट्टियाँ उनकी 3 से 4 दिन की छुट्टी उनको मिली भी है, उसमें उनको साथ वीकेंड भी लग गया उनके, तो और ज़्यादा फ़ायदा हो गया भाई। ये कार देख सकते हैं सोनी वालों की कार है, ये बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। ये तो मुझे वो लग रही है गोलमाल में जो लेकर नहीं आ गया था, वो माधव शायद लेकर आया था। ये बस वो रेड में थी, ये ब्लैक में आप देख सकते हैं, पूरी शॉप है ये। अच्छा भाई, आप ये इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सा एक बनाया हुआ, आप देख सकते हैं यार, ये आर्टिफिशियली इन्होंने जो बनाया हुआ, कितनी मेहनत करके, आप इसको देख सकते हैं। मैं इसको दिखा सकता हूँ आपको, ये आप देखें किस तरह इन्होंने पहाड़ों को बनाया है और किस तरह उसमें रोड बनाए हैं और किस तरह यहाँ पर एक नदी वगैरह भी बनाई जिसमें कश्तियाँ वगैरह हैं। तो यार ये जो मंज़र है बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने बनाया हुआ है आर्टिफिशियली। तो आई डोंट नो इसके पीछे इनका क्या पर्पस था बनाने का, क्योंकि ये तो एक मोबाइल एसेसरीज और कैमरे वगैरह की शॉप है, बट हो सकता है यहाँ पे वो इस चीज़ को अपना बस दिखा अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले कराओ, आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ कैमराज वगैरह हैं, देख सकते हैं डिफरेंट प्राइस में। ये देखिए छोटे कैमरा भी हैं सब। अच्छा भाई, बुर्ज खलीफा की तरफ आगा नहीं, बहुत रश है, बहुत ज़्यादा रश है, और बैक साइड में आप देख सकते हैं मेरा कितना रश है। वैद भाई क्या तासुरात है आपके यहाँ पे आके? अभी पिक्चर ले लूँ। वैद भाई अपने पिक्चर्स में लगे हुए हैं, और मैं बस आपको 1 2 3 करके जैसे पहले दिखाया था वैसे दोबारा दिखा दूँ बुर्ज खलीफा के रात में भी किस तरह का जो है मंजर नज़र आ रहा है। तो 1 2 3 हियर वी गो। अच्छा भाई, आप लोगों ने जो है डांसिंग कॉन्टेंट भी देख लिया होगा, वैसे तो पहले भी वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन वो दिन का टाइम था, लेकिन ये आज जो है रात का टाइम था, तो इसलिए जो है मज़ा आया होगा उम्मीद करता हूँ। अब यहाँ देखते हैं, अगर कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई तो ज़रूर उसको वीलॉग में शामिल करेंगे। तो चले आगे फिर देखते हैं।
अच्छा भाई ये देखिए आप मेरे बैक साइड पे दुबई एक्वेरियम देख सकते हैं। तो ये बैक साइड पे दुबई एक्वेरियम है जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी प्रॉपर तरीके से। भाई देख सकते हैं बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। हाँ भाई आपने जो है ये एक्वेरियम की फिश वगैरह भी देख ली होगी, ये यहाँ पे लोग आते हैं तो ज़रूर देखते हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे आपको ये भी इस वीडियो में शामिल कर लूँ। तो यहाँ की ये भी एक तरह से यूनिक चीज़ है कि यहाँ पे लोग अगर बुर्ज खलीफा आते हैं तो इस तरफ भी जो है अपना विजिट ज़रूर करते हैं। अच्छा यहाँ बच्चों की कुछ खिलौने टाइप की चीज़ नज़र आ रही है जो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे। ये देखें थोड़ा सा एक बच्चों का बना हुआ है, ये देखें कुछ डांसिंग टाइप का कुछ है। तो ये इनमें म्यूज़िक की आवाज़ भी आ रही है और आप बैकग्राउंड देखिए कितना ज़बरदस्त बनाया हुआ है यार ये। शॉप का नाम देख सकते हैं, अच्छा भाई उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा और बुर्ज खलीफा डांसिंग कंटेंट और दुबई एक्वेरियम ये सब चीज़ें आपने इस ब्लॉग में एंजॉय की होंगी। तो मेरे ब्लॉग को जो है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अल्लाह हाफिज़।